बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ विंटर स्पेशल के हवाले से एक और मज़ेदार सी डिश, और वो डिश है शलजम मूली और गाजर का अचार। तो ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने लिए हैं 2 अदद शलजम, 2 मूली, 3 गाजरें। आप इनकी क्वान्टिटी भी बढ़ा सकते हैं, और इसी तरीके से आप मसालों की भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अचार डालना है। मैं ये थोड़ा सा ही बस आपको अचार डाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने ली हैं सूखी लाल मिर्चें। लाल मिर्चें आप हसबे जायका ले सकते हैं। राई मैंने लिए हैं 5 छोटे चमचे भर भर के। ये देखिए, ये राई है, बहुत आसानी से आपको किसी भी सुपर स्टोर पर मिल जाएगी। 4 अदद मैंने ये देखिए सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, अदरक लहसुन लिया है, ये देखिए 1 पूरी पोथी लहसुन की मैंने काट के, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, इनको मैं बारीक पीस लूँगी। इसी तरह से मैंने 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, ये देखिए मैंने इस तरह से काट लिया है। गुड़ है, और ये देखिए, ये मैंने एक खाली पैन लिया है। अब मैंने देखें, ये इन सारी चीज़ों को, गाजरों को, मूली और शलजम को अच्छे से धो लिया है। अब मैं इनको इस तरह से काट लूँगी मोटा मोटा। शलजम के मैंने छिलके नहीं उतारे, अगर आप उतारना चाहें तो आप उतार लें, कच्चे कच्चे बहुत ही फ्रेश से सीज़न के शलजम है। तो मेरा दिल नहीं चाह के मैं इनके जो है वो छिलके उतारूँ, बिल्कुल कच्चे कच्चे शलजम है। देखें, इस तरह से मोटा मोटा कतलों में आपने शलजम को काट लेना है। इसी तरीके से व्यूअर्स, आप ये देखिए मूली है, मूली को मैंने साफ कर लिया है, छील लिया है, इनको भी मैं मोटा मोटा इस तरह से मूली को काट लूंगी। इसी तरह से आप ये गाजरें देखिए, गाजर को मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। गाजरों को भी इस तरह से मैं कतलों में काट लूँगी, कतले ज़रा थोड़े मोटे होने चाहिए, ये देखिए इस तरह के। तो ये व्यूअर्स, सारी सब्ज़ी जो है इस पैन में काट लेनी है, और फिर सब्ज़ी को सिर्फ एक जोश देके उबालना है। मैं दिखाऊंगी, आप रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। सब्ज़ी को मैंने पैन में निकाल लिया है, ये पैन छोटा पड़ रहा था तो मैंने देखिए ये बड़ा पैन लिया है, ताकि मैं अच्छे से सिर्फ एक जोश दे सकूं। ये पैन भर के देखिए, मैंने पानी लिया है और मैं सब्ज़ी के अंदर डाल दूँगी इसको। अब मैं चूल्हे पर रख दूँगी पैन को, और हमें सिर्फ सब्ज़ियों को एक जोश देने की हद तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। अच्छे से शलजम और गाजर और मूली उबल रहे हैं, आप ये देखें। ऑलमोस्ट ये हो गए। अब मैं इनको इस छलनी के अंदर निकाल दूंगी छान के, इस तरह से आपको निकाल लेनी है, इस तरह से। तो ये आप देख रहे होंगे व्यूअर्स के मैंने छलनी में छान लिया है गाजर, मूली, शलजम को, और मैंने देखिए इस तरह की एक ट्रे ली थी, उस पर मैंने दस्तरखान को इस तरह से लपेट दिया है। और अब मूली, गाजर और इन सारी सब्ज़ी को इस कपड़े के ऊपर फैला देना है। स्टेप बाय स्टेप आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अचार आप पूरी सर्दियां खा सकते हैं। इस अचार को आप पूरी सर्दियां एंजॉय कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सारी सब्जियों को कपड़े पर फैला देना है। तेज़ धूप में मैंने ट्रे को रख दिया है, धूप तेज़ होनी चाहिए। तकरीबन 1 घंटे तक आप गाजर, मूली और शलजम को रखें धूप के अंदर।
अब हम मसाला बना लेते हैं अचार का। तो अदरक और लहसुन को तो मैं पीस लूँगी बारीक ब्लेंडर में। अभी मैं पीसूँगी ड्राई मसाला, तो ये नमक हल्दी डाल देनी है इसमें, सूखी मिर्चें, ज़ीरा, और ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट राई, ये बहुत ज़रूरी है शलजम के अचार के लिए। अब मैं इसको बारीक इसमें पीस लूँगी। घंटा तक सब्जियों को मैंने धूप में रखा, और अभी ये देखिए मैंने मिट्टी का की हंडिया ले ली है। आपके पास जो भी मिट्टी का बर्तन अवेलेबल हो या मिट्टी चीनी का, तो आप ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी सब्जी जो है वो इसमें डाल दी है। मसाला मैंने पीस लिया था, ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक ये सारा डाल देना है। इस तरह से अदरक लहसुन भी बारीक पीस लिया था मैंने ब्लेंडर में, ये भी मैं डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से कि ये सब्ज़ी ना टूटे। वह तो आपको इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, मैंने भी इससे ज़्यादा नहीं गलाया है, अच्छे से जो है मिक्स कर देना है। अब मसाला लगे हुए अचार को मैं तकरीबन एक घंटे के लिए धूप में रखूंगी, अच्छी तेज़ धूप में इसको रखना है। एक पैन में मैंने पानी ले लिया है, ये तकरीबन मैंने लिया है 5 गिलास पानी। अब मैं इसमें डालूंगी ये 4 से 5 दरमियानी और छोटी छोटी डलियां गुड़ की। पानी को बहुत अच्छे से उबालना है, जब तक अचार धूप में रखा हुआ है पानी को अच्छे से हम उबाल लेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने धूप में तकरीबन मसाला लगा के अचार को 2 घंटे के लिए रखा है। अब पानी भी गुड़ वाला जो है वो ठंडा हो गया है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए ये मैंने गुड़ वाला इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इसको मैं रखूंगी धूप के अंदर कवर करके तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए। 2 से 3 दिन में ये होगा कि इसके अंदर खटास आ जाएगी और एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और अचार रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है, कवर को अच्छे से करके इसके ऊपर आप एक कपड़ा डाल दें या कोई शीट डाल दें प्लास्टिक की और इसको रख दें धूप के अंदर। 5 दिन हो गए, 5 दिन मैंने इसको बहुत अच्छी सी धूप में रखा और आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स के बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस खट्टा मीठा हमारा रिवायती शलजम मूली और गाजर का अचार रेडी है। ये देखिए जितनी देर ये रखा रहेगा उतना पानी खट्टा होता रहेगा। आज 5 दिन हो गए हैं और पानी बहुत ही मज़ेदार सा हो गया है।